बैक। सो गाइस, आज हम देखेंगे फ्लटर के अंदर कि हम टेबल्स कैसे क्रिएट कर सकते हैं, डेटा टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट पार्ट होने वाला है जिसमें हम डेटा टेबल बनाएंगे, एंड देन नेक्स्ट पार्ट में हम उसको थोड़ा सा और डायनेमिक करेंगे। ओके, सो फर्स्ट तो देखते हैं टेबल कैसे बनाते हैं। सो वैसे तो टेबल्स कार्ड आ गए हैं, तो कार्ड के रिप्लेसमेंट टेबल के रिप्लेसमेंट कार्ड से एक्चुअली, एंड कार्ड्स की मैं वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, और या फिर अगर आप चैनल फॉलो कर रहे हो तो आप ऑलरेडी उसको प्लेलिस्ट में, मटेरियल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। ओके, सो कार्ड रिप्लेसमेंट है, बट फिर भी हम आज भी अगर रॉ डेटा दिखाते हैं या हम अपना कोई ऐप क्रिएट करते हैं जिसे हमें मल्टीपल डेटा दिखाना है जो कि कार्ड के अंदर बहुत ज़्यादा हैवी हो जाएगा, तो हम आज भी टेबल्स का यूज़ करते हैं। तो फ्लटर के अंदर एक आपको बिना किसी एक्स्ट्रा लाइब्रेरी के या डिपेंडेंसी के ऑटोमेटिक एक इसके अंदर क्लास मिलती है मटेरियल यूआई के अंदर डेटा टेबल की। सो देखते हैं कि कैसे बना कैसी बनेगी एक्चुअली। सो आप देख सकते हैं जैसे आपने थंबनेल में देखा है, यहाँ पे मैंने एक स्टूडेंट का या आप कह लो एक कॉलेज का एक मिनट डेटा टेबल बनाया जिसके अंदर नेम, एज एंड रोल मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किए हैं। नेम है, एज एंड उसका रोल। ओके, सो मैं इसमें आपको एक फील्ड और इनबिल्ट करके दिखाऊंगा कैसे करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता सब्सक्राइब करने से, बट आपको थोड़े से अलर्ट जल्दी मिलेंगे और मेरा सब्सक्राइबर का अकाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सो फ्रेंड्स, वेरी बेसिक, सबसे पहले आपको फाइल में जाना है, न्यू पर क्रिएट करना है, न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट। हर बार बोलता हूँ, नहीं देखा है वीडियो तो एक बार डिस्क्रिप्शन में आके लिंक देख लो एंड ईजीली क्रिएट कर लोगे, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर मैं एंड्रॉयड स्टूडियो यूज़ कर रहा हूँ। ओके, सो इस डेटा को आप यहाँ पे आप मैं अभी आपको स्टैटिक डेटा दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक स्टेटलेस विजिट क्रिएट किया है, एंड देन उसके बाद आप देख सकते हो ये ऐप बार का टाइटल है। तो यहाँ पे मैं डाल सकता हूँ स्टूडेंट्स या फिर कॉलेज डेट। ओके, तो आप देख सकते हो टाइटल चेंज हो गया। सो दिस इज डेटा टेबल एग्जांपल स्टेटलेस विजिट्स। आप स्टेटफुल भी क्रिएट कर सकते हो, अगर आपको डिस्क्रिप्ट डिफरेंस नहीं पता है तो आप नीचे कमेंट करो, मैं इसके ऊपर डिटेल में एक वीडियो बना दूंगा। ओके, सो सबसे पहले आपको डेटा टेबल को रिटर्न करना है अपने कंपोनेंट के अंदर, एंड देन यहाँ पर आपको सबसे पहले स्पेसिफाई करना है कॉलम्स। कॉलम्स मीन आपका जो हेडिंग है कि आपका कॉलम क्या है, उसके अंदर डेटा क्या होगा। ओके, तो सबसे पहले कॉलम्स, एंड इसमें लेबल एक्सपेंडेड यूज़ कीजिए जिससे आपका कोई भी स्क्रीन साइज़ हो ये ऑटोमेटिक उस स्क्रीन साइज़ को अडेप्ट कर ले। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले टेक्स्ट, टेक्स्ट में आपने दिया नेम, एंड यहाँ पर टेक्स्ट स्टाइल में इटैलिक या जो भी आप टेक्स्ट स्टाइल में चेंज कर सकते हैं चीज़ें। यहाँ पर बहुत एट्रीब्यूट है, बैकग्राउंड कलर, ये कलर्स लाइब्रेरी से आपको कलर मिल जाएगा। ओके, मैं ग्रीन करता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ग्रीन हो गया, अच्छा नहीं लग रहा, बाद में लगाएंगे इसे। ओके, सो उसके बाद ये आपका एक सिंगल डेटा कॉलम हो गया, फिर सेकंड एंड फिर थर्ड। ओके, सिंपल सेम स्टाइलिंग कॉपी हुई है, एंड देन उसके बाद हम आते हैं रोज़ के अंदर। ये आपको दो यहाँ पे एट्रीब्यूट मिलेंगे, कॉलम्स एंड देन उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो रोज़। तो इसमें आपको कौन से में डेटा रो को इनहेरिट करना है, एंड डेटा रो के अंदर आपको बिल्कुल साइमल्टेनियसली जैसे आपने नेम ऐड किया है उसी ऑर्डर में ऑर्डर प्रिजर्व रहेगा, नेम या फिर आप कह लो पूरा डेटा डालना है, नेम, एज एंड उसका रोल। ओके, तो मैं आपको एक डेटा और इनपुट करके दिखाता हूँ इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो यहाँ पर डेटा कॉलम है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, सिंपल ये मैंने पेस्ट किया, एंड यहाँ पे आपको ऐड करना है जैसे मैंने नेम, एज एंड रोल ऐड कर रखा है। अब आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो मोबाइल नंबर या फिर मोबाइल ऐड कर दीजिए सिंपल। तो यहाँ तो सबसे पहले तो एक्सेप्शन आ गई, देख सकते हो कितना प्यारा एरर आया है, बिकॉज कॉलम एंड रोज बराबर नहीं है, तो हमें सबके अंदर ऐड करना हो जाके। तो मोबाइल नंबर मैं डाल देता हूँ, ठीक है, कॉल मत करना, नंबर लगेगा नहीं, गलत है, इस पर तो बिल्कुल लगेगा, ठीक है। अब ये बराबर हो गए, तो आप देख सकते हो नेम, एज, रोल एंड मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली इसमें ऐड हो गया, ठीक है। तो आप इसको इसको अगर देखिए राउंड करेंगे तो डेटा इस तरीके से दिखाई देगा, रोटेट स्क्रीन करेंगे लाइक दैट, अच्छा लग रहा है ना, यूएसए में डेटा है,
ठीक है, तो ये हमारी बेसिक डेटा टेबल है। सेकंड पार्ट में आपको और एडवांस आप कमेंट कीजिए, सेकंड पार्ट जितना कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आएगा। यहाँ पे हम डायनेमिकली डेटा को अपडेट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, वो भी एपीआई की हेल्प से। सो गाइज, अगर आपको एपीआई कॉलिंग में भी इशू आता हो कि एपीआई कॉलिंग कैसे करनी है, फ्लटर में डायनेमिक डेटा कैसे रिसीव या पोस्ट या गेट मेथड परफॉर्म करने हैं एचटीटीपी मेथड के थ्रू, एचटीटीपी के थ्रू, सो आप मुझे कमेंट कीजिए, बहुत ही जल्दी इसके ऊपर एक वीडियो आ जाएगी एंड उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, राइट। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो कमेंट कीजिए, एंड अगर कोई इशू हो तो फिर भी कमेंट कीजिए, एंड सोर्स कोड आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड इंस्टाग्राम को फॉलो करो यार थोड़ा बहुत, जिससे लाइक कोई भी इशू हो वहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह शेयर करो, एंड आई विल रिप्लाई इट ईजीली। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप कोडिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप लाइक, कीप अलाइव, बाय बाय।